स्कूल के अंदर जो भेज रहे हैं ये रोक नहीं पा रहे हैं तुम्हें। और 23% जन ना 75% जन नम धर्म नम पर रात में पूरे रेसिग्नेशन दे देंगे। ये बच्चे खुद MLC MLA बनके अपना कानून वो बना लेंगे। ये अपना सैफ्रन कलर पहना के स्कूलों में प्रिंसिपलों के पास भेज के ये बच्चों के ऊपर अत्याचार भी करा सकते हैं। सर बताइए सर, कल कोर्ट का फैसला आने वाला है, अगर फैसला उन लड़कियों के हक में नहीं होगा तो आपके तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? ये मैडम खुद कर देगी ना। उसका कानून बन जाएगा। कानून में कमजोरी होगी तो कोर्ट का फैसला मुश्किल हो सकता है, नहीं तो 100% फैसला ये बच्चों के फेवर में जाएगा। कानून बनने के लिए 14 तारीख को असेंबली है, 2 असेंबली गुजर गई है, तो ये असेंबली में ये बनाएंगे, इन्हों असेंबली में कानून बनाएंगे जो मुसलमान के नाम से ये बच्चों के माँ बाप जो हैं, ये MLA हैं, MLC हैं, MP हैं, इन्हों इनके माँ बाप हैं, इन्हों कानून बनाएंगे, नहीं तो इन्हों ये 14 तारीख के दिन उस रात में पूरे रेसिग्नेशन दे देंगे। ये बच्चे खुद MLC MLA बनके अपना कानून वो बना लेंगे, उनके घर से दूसरे आएंगे। इसकी जिम्मेदारी जो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, जो ड्राइवर के ऊपर उम्मीद करके ये बच्चे सवार है, मुसलमान अपनी गाड़ी अपना लश्कर बनाए उसके लायक नहीं, उनको डायरेक्शन नहीं, उनमें ताकत नहीं, वो गाड़ियों में इंजन नहीं, तो तुरंत ये लोग अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, रेसिग्नेशन करेंगे। रेसिग्नेशन करना मांगता हूँ मैं, नहीं तो ये बच्चे अपने आप कानून बनाने के लायक हैं, उनको इलम की भी ज़रूरी है। यही बच्चे MLA बनेंगे, यही बच्चे MLC बनेंगे 2023 में। अभी फिलहाल जो है BJP के MP हो, MLA हो या कई सारे बजरंग दल वाले हो, इसके ऊपर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो मुस्लिम जो लीडर्स कहलाते हैं अपने आप को कर्नाटक के, वो लोग कहाँ गए हैं सर? उनको जवाब देने तक उनको ताकत नहीं है। मैं भाषण है बच्चों के ऊपर थोड़ी दे रहे हैं, अपने यूनिफॉर्म नहीं ये अपने हिजाब के साथ दूसरा हिजाब पिना के बजरंगियों को स्टूडेंट्स को वहाँ भी उन्होंने वायलेंस क्रिएट करके स्कूल के अंदर जो भेज रहे हैं ये रोक नहीं पा रहे हैं तुम्हें। और 23% जन कानून नहीं बना रहे हैं, वहाँ पे पुलिस के साथ जाके नहीं बैठ रहे हैं तुम्हें, असेंबली हॉल में अपना क्वेश्चन और ऑर्डर्स में ऑर्डर्स निकाल के आप पुलिस से एक वर्दी नहीं लेके सबमिट किए हैं। ये लायक तुम्हारे पास कमजोरी नहीं है, 0% है करके वो प्रताप सिम्हा हो। नानु ई तर प्रश्न केळ्तिरोरिगे इष्टपडतीने, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇದು ಭಾರತ, ಇದು ಭಾರತದ ಈ ನೆಲ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬುನಾದಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಬುನಾದಿನೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇದು. ಹೋ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಹೋ ಅಪ್ನೆ ಮಂತ್ರಿ ಹೋ ಯ ಬಚ್ಚೋ ಕಾ ಗೋಲ್ ಡಾಲ್ ಲೆ ರಹೆ ಹೈನ್ ಔರ್ ये पाप होगा उनको भी, जिसके ऊपर हमें उम्मीद से ये बच्चे और उनकी फैमिली पूरी कम्युनिटी यानी 88 लाख से 90 लाख तक के मुसलमानों का वोट जो लिए हैं, यू नो अनफिट होंगे तो ये ऐसा होगा, नहीं तो इंसाफ सही मिलेगी? इंसाफ कल कोर्ट में जो भी मिलने दो, कानून बात सही बनेगा, कानून के ऊपर ही कोर्ट का जजमेंट भी होना चाहिए, हो जाएगा। हर फैसले बदल सकते हैं, हर आदमी ये बच्चों के ऊपर हमला कर सकता है, हर आदमियों को हर बच्चों को ये अपना सैफ्रन कलर पहना के स्कूलों में प्रिंसिपलों के पास भेज के ये बच्चों के ऊपर अत्याचार भी करा सकते हैं। इसके जिम्मेदार जो बनेंगे, जो जिम्मेदार कानून में हमें जो चार्ज दिए वही होंगे। सर अभी फिलहाल जो है MLA हो, अपने लीडर्स हो, अपने आप को जो खाइदीन कहते हैं, जो इन बच्चों के माँ बाप से वोट लिए हैं, अगर वो बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता है तो वो लीडर्स क्या करना चाहिए सर? ये तुरंत विदाउट एनी फ्रैक्शन ये लोग रिजाइन करना मांगता है अपनी कुर्सी अपनी चेयर। MLA MLC MP आप तुरंत बगैर हर चीज पूछने के लिए हमारी पार्टी
अभी यूटी खादर बोल रहे हैं हमारे लीडर को पूछेंगे, हमारे फलां को पूछेंगे, नहीं, ये मुसलमानों का वोट है, लीडर का दूसरों का वोट नहीं है, किसी के बाप का वोट नहीं है, ये बच्चों का वोट है। ये अपनी चेयर कुर्सी छोड़ के बगैर सूरत बताए कि वापिस जाना मांगता हूँ मैं, वो जाना चाहिए, वही कानून भी होगा, वही उनकी इज्जत भी होगी, उनकी इज्जत उसमें ही होगी भी। कल कोर्ट का फैसला उन बच्चों के हक में नहीं आता है तो आलम पाशा की जानिब से क्या इकदाम लिया जाएगा? 2023 के बाद इनके सूरत काले होंगे, ये बच्चों नकाब के साथ ये नया कानून बनाएंगे और इज्जत से स्कूलों में भी, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी नकाब के साथ जाएंगे ये मुसलमान के बच्चे।